हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं आईआईटी मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसको कर लेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा एलिप्स। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंटल फॉर्म बाय टेंजेंट एट द एंड ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो बच्चों ये आपका एलिप्स है, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। बच्चों आपको याद हो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 9 - 5 और ये आ जाएगा 2। ये पॉइंट आ जाएगा फोकस 20 और कितना होता है बच्चों बी स्क्वायर बाय ए। तो बी स्क्वायर आप देख सकते हैं छोटा वाला यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 2.5/3 ऐसा आएगा। अब बच्चों क्या होगा कि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये ऐसे आएगा, फिर आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, फिर आप यहां पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, इस तरह से आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, इस तरह से आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करे तो बच्चों आप देख सकते हो सिमेट्री की वजह से ये आपका क्या बनेगा, रॉम्बस बनेगा, क्योंकि ये एंगल 90 है और बच्चों जो ये दूरी होगी ओरिजिन से यहां तक की वही दूरी होगी यहां से आपका ओरिजिन का। ठीक है ना, तो रॉम्बस बनेगा। डायगोनल्स परपेंडिकुलर, डायगोनल्स बाइसेक्टर, सिमेट्री की वजह से दिख रहा है क्योंकि एलिप्स आपका सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, दैट इज वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन इस पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) कर दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन कर दिया और वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, वाई बाय थ्री इज इक्वल टू वन है ना, वाई इंटू 5/3। ठीक है, 5 कट जाएगा बच्चों। तो अगर अपन इसमें एक्स जीरो करें, एक्स को जीरो करें, वाई कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ये पॉइंट आएगा 0.3 है ना बच्चों। वाई को जीरो करें, एक्स कितना आ जाएगा 9/2.0 आ जाएगा। ओके बच्चों, इस ट्राइंगल का एरिया का आप 4 गुना कर सकते हैं, तो 4 × ½ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट है ना, यानी कि 3। ठीक है, ये कर दिया तो 2 कट जाएगा 4 के साथ और ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 27, यानी कि सी ऑप्शन। बच्चों इस रिजल्ट को आप याद भी कर सकते हो है ना, तो जैसे मान लो ए ही है तो ए ही कॉम बी स्क्वायर बाय ए होता है, तो एक्स और वाई वाई वन है ना, बी स्क्वायर बाय ए डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर है ना इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसमें वाई को जीरो किया, सॉरी एक्स को जीरो किया, तो वाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और y को जीरो के x कितना आ जाएगा आपका a बाय e आ जाएगा। तो आप अगेन वही ट्राइंगल का एरिया 4 गुना करके याद कर सकते हो, तो 4 × 1/2 × a × a/e कर सकते हो, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2a² / e। इससे भी आप कर सकते हो, तो जैसे ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आंसर कितना आ जाएगा 2 × 9 और डिवाइडेड बाय e कितना आ रहा है 1 - 5/9। 1 - 5/9 कितना आएगा 4/9, 4/9 कितना जाएगा 2/3, 2/3 का रेसिपी लेता जाएगा 3/2, तो 2 × 9 × 3/2। ठीक है, तो वहां से भी आपका आंसर आ रहा है 27 है ना। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, बाय बाय।